जीवन देवता की साधना आराधना डे 7। मृत्यु अवश्यम भावी है, लोग उसे भूल जाते हैं और बाल क्रीड़ा की तरह महत्वहीन कार्यों में जीवन बिता देते हैं। यदि यह ध्यान रखा जाए कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत जो अलभ्य हस्तगत हुआ है उसे इस प्रकार व्यतीत किया जाए जिससे भविष्य उज्ज्वल बने, देव मानव स्तर तक पहुँचने का आशा बधे, दूसरों को अनुकरण की प्रेरणा मिले, सृष्टा को दायित्व निर्वाह की प्रामाणिकता का परिचय पाकर प्रसन्नता हो, पदोन्नति का सुयोग इस आधार पर उपलब्ध हो। रात्रि को जिस प्रकार निश्चिंतता पूर्वक सोया जाता है उसी प्रकार मरणोत्तर काल से लेकर पुनर्जन्म की मध्यावधि में भी ऐसी ही शांति रह सकती है। इसकी तैयारी इन्हीं दिनों करनी चाहिए। हंसी खुशी से दिन बीतता हो तो रात्रि को गहरी नींद आती है। दिन यदि शांतिपूर्वक गुजारा जाए, श्रेष्ठता के साथ जुड़ा रहे, तो मरणोत्तर विश्राम काल में नरक नहीं भुगतना पड़ेगा, स्वर्ग जैसे शांति का रसास्वादन मिलता रहेगा। इस प्रक्रिया को तत्वबोध कहा गया है। प्रज्ञा योग के दो और चरण हैं जिनको दिन में पूरा किया जाता है। इनमें एक है भजन, दूसरा है मनन। भजन के लिए नित्य कर्म से निवृत्त होकर नियत पूजा स्थान पर पालथी मारकर बैठा जाता है। शरीर मन और वाणी की शुद्धि के लिए जल द्वारा पवित्रीकरण सिंचन आचमन किया जाता है। देव प्रतिमा के रूप में गायत्री की छवि अथवा धूप दीप में से कोई प्रतीक स्थापित करके इसे इष्ट आराध्य माना जाता है। धूप दीप नैवेद्य जल अक्षत पुष्प में से जो उपलब्ध हो उससे उसका पूजन किया जाता है। पूजन में प्रयुक्त वस्तुओं की तरह अपने जीवन में उन विशेषताओं को उत्पन्न करने की भावना की जाती है जो इन उपचार साधनों में पाई गई है। चंदन समीपवर्तियों में सुगंध भरता है। दीपक अपने प्रभाव क्षेत्र में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता है। पुष्प हंसता है और खिलता रहता है। जल शीतलता का प्रतीक बनकर रहता है। अक्षत नैवेद्य के पीछे समय दान अंशदान परमार्थ प्रयोजन के लिए निकाले जाने की भावना है। इष्ट देव को सत प्रवृत्ति का समुच्चय माना जाए, इन मान्यताओं के आधार पर देव पूजन समग्र बन पड़ता है। अब जप और ध्यान की बारी आती है। दोनों एक साथ चल सकते हैं। गायत्री जप मानसिक हो तो भी ठीक है। जितनी देर करने का निश्चय हो उसका हिसाब माला या घड़ी के सहारे किया जाता है। जिन्हें गायत्री की अपेक्षा कोई अन्य मंत्र रुचिकर होए उसे अपना सकते हैं। ओमकार भी सार्वभौमस्तर की जप मान्यता बन सकता है। जप के साथ प्रातःकाल के उदीयमान स्वर्णिम सूर्य का ध्यान किया जाए। भावना करनी चाहिए कि अपना खुला शरीर सूर्य के सम्मुख बैठा है। इष्ट की सूक्ष्म किरणें अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में प्रवेश कर रही हैं। किरणें ऊर्जा और आभा की प्रतीक हैं। ऊर्जा अर्थात शक्ति, आभा अर्थात प्रकाश प्रज्ञा, दोनों का समन्वय तीनों शरीरों में प्रवेश करके उन्हें प्रभावित करता है। ऐसी भावना की जानी चाहिए। प्रत्यक्ष शरीर में स्वास्थ्य और संयम, सूक्ष्म शरीर में मस्तिष्क में विवेक और साहस, कारण शरीर अर्थात अंतःकरण में श्रद्धा सद्भावना सूर्य किरणों के रूप में प्रवेश करके अस्तित्व की समग्र सत्ता को अनुप्राणित कर रही है। यह ध्यान धारणा और मंत्र जप साथ साथ नियत निर्धारित समय तक चालू रखें और अंत में पूर्णाहुति में सूर्य के सम्मुख जल रूपी अर्घ्य दिया जाए। इसका तात्पर्य है परम सत्ता के सम्मुख जल रूपी आत्मसत्ता का समर्पण। भजन भावना इतनी ही है। यदि नियत स्थान पर बैठ सकना संभव नहीं, सफर में चलने जैसी स्थिति हो तो वह सारे कृत्य मानसिक रूप से बिना किसी वस्तु की सहायता के भी किए जा सकते हैं। प्रज्ञा योग साधना का चौथा चरण है मनन। यह मध्यात्तर कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। समय 15 मिनट हो तो भी काम चल जाएगा। इसमें अपनी वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाती है।
और आदर्शों के मापदंड से जांच पड़ताल करने पर जो कमी प्रतीत हो उसे पूरा करने की योजना बनानी पड़ती है, यही मनन है। इसके लिए एकांत स्थान ढूंढना चाहिए, आंखें बंद करके अंतर्मुखी होना और आत्मसत्ता के संबंध में परिमार्जन परिष्कार की उभय पक्षीय योजना बनानी चाहिए। इसमें आज के दिन को प्रधान माना जाए, प्रातः से मध्यान्ह तक जो सोचा और किया गया हो उसे आदर्शों के मापदंड से जांचना चाहिए और उस समय से लेकर सोते समय तक जो कुछ करना हो उसकी भावनात्मक योजना बनानी चाहिए ताकि दिन के पूर्वार्ध की तुलना में उत्तरार्ध और भी अच्छा बन पड़े। आत्मसमीक्षा के चार मापदंड हैं, इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम। देखना चाहिए कि इन चारों में कहीं कोई व्यतिक्रम तो नहीं हो रहा है, जीव स्वाद के नाम पर अभक्ष्य भक्षण तो नहीं करने लगी, वाणी से असंस्कृत वार्तालाप तो नहीं होता, कामुकता की प्रवृत्ति कहीं कुदृष्टि से तो नहीं उभर रही, असंयम से शरीर और मस्तिष्क खोखला तो नहीं हो रहा। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनाए रखने के लिए इंद्रिय निग्रह अमोघ उपाय है। समय संयम का अर्थ है एक क्षण का सदुपयोग। आलस्य प्रमाद में, दुर्व्यसनों में, दुर्गुणों में, कुचक्र में फंसकर समय का एक अंश भी बर्बाद न होने पाए, इसकी सुरक्षा और सदुपयोग पर पूरी पूरी जागरूकता बरती जानी चाहिए। समय ही जीवन है, जिसने समय का सदुपयोग किया समझो कि उसने जीवन का परिपूर्ण लाभ उठा लिया। तीसरा संयम है अर्थ संयम। पैसा ईमानदारी और परिश्रम पूर्वक कमाया जाए, मुफ्तखोरी और बेईमानी का आश्रय ना लिया जाए, औसत भारतीय स्तर का जीवन जिया जाए, सादा जीवन उच्च विचार की नीति अपनाई जाए, विलास प्रदर्शन की मूर्खता में कुछ भी खर्च ना होने दिया जाए, कुरूतियों के नाम पर भी बर्बादी ना चले, बचत का एक बड़ा अंश परमार्थ प्रयोजन में लगा सकने और पुण्य की पूंजी जमा करने का श्रेय उन्हीं को मिलता है जो विवेकपूर्वक औचित्य का ध्यान रखते हुए खर्च करते हैं। चौथा संयम है विचार संयम। मस्तिष्क में हर घनी विचार उठते रहते हैं, कल्पनाएं चलती रहती हैं, ये अनर्गल अस्त व्यस्त एवं अनैतिक स्तर के ना हों इसके लिए विवेक को एक चौकीदार की तरह नियुक्त कर देना चाहिए। उसका काम हो कुविचारों को सद्विचारों की टक्कर मार कर परास्त करना, अनगढ़ विचारों के स्थान पर रचनात्मक चिंतन का सिलसिला चलाना। विचार मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, वही कर्म के रूप में परिणत होती और परिस्थिति बनकर सामने आती है। जीवन को कल्प वृक्ष बनाने का श्रेय रचनात्मक विचारों का ही होता है। इस तथ्य को भली प्रकार समझते हुए चिंतन को मात्र रचनात्मक एवं उच्च स्तरीय विचारों में ही संलग्न रखना चाहिए। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के चार पुरुषार्थों जीवन की प्रगति एवं सफलता बन पड़ती है। इसलिए दिनचर्या में उन चारों के लिए समुचित स्थान रखें, उसकी जांच पड़ताल आत्मसमीक्षा के समय में निरंतर करनी चाहिए। आत्मसमीक्षा आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास की चतुर्दिक प्रक्रिया को अग्रगामी बनाने के लिए मध्यांतर काल की मनन साधना करनी चाहिए। इसे आत्मदर्शन समझा जाना चाहिए जो थोड़ी विकसित अवस्था में ईश्वर दर्शन के रूप में फलित होता है। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।